से प्रदेश की सिविल सर्विसेज वॉलीबॉल की टीम घोषणा की गई है। टीम में 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है और 6 खिलाड़ी अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में चयनित किए गए, जिसमें हरदोई से DIOS DK दुबे का भी चयन हुआ। केरल के तिरुवंतीपुरम स्थित सेंट्रल स्टेडियम में 22 से 26 मार्च के मध्य अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। चयनित होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक VK दुबे ने हरदोई के स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैयारी शुरू कर दी। उनका कहना है कि प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को जीत दिलाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से तैयारी में जुटे हुए हैं दुबे। दुबे के चयन होने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी है। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज भर्ती प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की वॉलीबॉल टीम में चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक न केवल हरदोई जनपद के पहले अधिकारी हैं, वरन माध्यमिक शिक्षा विभाग के एकमात्र अधिकारी हैं, जिनका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। माध्यमिक शिक्षा विभाग और जनपद हरदोई को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक को सभी ने बधाई दी है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। अभी आपका चयन हुआ है खेल के लिए, तो क्या प्रतियोगिता है और कहां पर ये खेल हो रहा है? ये प्रतियोगिता अखिल भारतीय सिविल सेवा वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, त्रिवेंद्रम केरल में हो रहा है और हमें जो है उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा जो टीम है उसमें चयनित किया गया है, उसमें हमें अवसर प्राप्त हुआ है और ये प्रतियोगिता 22 मार्च से 26 मार्च तक त्रिवेंद्रम में होगी जो है, और वहीं पर जो है हम लोगों को खेलने जाना है। और हम लोगों का जो चयन हुआ था पहले जिला लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और स्टेट से फिर जो है नेशनल लेवल पे उस टीम में हमें हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम अपने जिलाधिकारी महोदय का, अपने निदेशक महोदय, संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय जी, सभी वरिष्ठ अधिकारियों का को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अवसर हमें दिया इस खेल में प्रतिभाग करने के लिए। देखने में आया जो सूची जारी हुई है उसमें सब युवा लोग हैं, शायद आप ही जो है 59 पार हैं, तो आप कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे खेलते हैं? देखिए, ये उम्र जो होती है नंबर्स होती है और आदमी जो है जवान भी बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। कम उम्र वाले भी बूढ़े दिखते हैं और ज़्यादा उम्र वाले भी जवान दिखते हैं। ये उम्र जो है कोई ये नंबर्स में मानता हूँ, उसका जो नियमित रूप से अभ्यास करता है आदमी तो उसमें पारंगत होता है। मैं प्रतिदिन लगभग स्टेडियम में 2.5 से 3 घंटे जो है प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं बूढ़ा हूँ। और चूंकि जवानों के बीच में 22 साल से 18 साल से 22 24 साल के बच्चों के साथ ही मैं खेलता हूँ और मैं अपने आप को फिट हूँ, तभी तो चयन हुआ इसमें।